कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया कंबल वितरण। खिचड़ी भोज का किया मंत्री धर्मपाल सिंह ने आयोजन। 22 जनवरी को यूपी ही नहीं पूरे देश की जनता करे मंदिरों में पूजन। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। पहले तो मैं अपने पत्रकार मित्रों से चाहूँगा, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप प्रसाद ग्रहण करके जाएं, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व समाज के लिए एकता समरसता में जोड़ने वाला पर्व है। भगवान सूर्य दक्षिणायन से आज उत्तरायण आ गए, समाज में एक तरीके से गर्मी आ जाएगी। गर्मी माने सब अपना अपना काम करने लगेंगे, सबके साथ न्याय, सबके साथ विकास, सबका विश्वास, परस्पर आपस में स्नेह का ये मकर संक्रांति का पर्व है। मैं इस पर प्रदेश की जनता को, औला और बरेली की जनता को प्रार्थना करता हूँ भगवान सूर्य से संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता को सुख शांति यश और समृद्धि प्रदान करें। इस अवसर पर बस मुझे इतना ही कहना है। 2022 इसमें राजनीतिक निहितार्थ 22 जनवरी का ना निकाला जाए। 22 जनवरी भगवान प्रभु श्री राम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं है, भगवान श्री राम सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। इसलिए सभी को अयोध्या में जाने का निमंत्रण है और मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को 22 जनवरी को हर मंदिर में जाके पूजन करें और प्रभु श्री राम का स्मरण करें। ये हमारे देश की दिशा परिवर्तन करने का विषय है और इस समय वास्तव में राजनीति का स्वर्णिम युग है, राजनीति का स्वर्णिम काल है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। ये योगियों की सरकार है, राम की सरकार है, इंसाफ की और कानून की सरकार है। मायावती ने आज जो है अपने जन्मदिन पे कहा है कि 2024 चुनाव में वो अकेले लड़ेंगी गठबंधन। कार्यकर्ता आज मेरा भी जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए मैं आज के जन्मदिन पर किसी की टिप्पणी नहीं करूँगा। कांग्रेस ने